नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और झांसी का ये VIP जगह कहा जाता है, आवास विकास नंदनपुरा झांसी को। और काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं आवास विकास कॉलोनी की, और उन सड़कों का क्या हाल है, जो पाइपलाइन बिछाई गई है और जे 6 महीना होने को है और खोद कर पाइपलाइन बिछा कर ऐसे ही छोड़ दिया, गड्ढे गूढ़े पूरे हर जगह झांसी में यही हाल है। लोग बाग फ़ोन कर कर कहते हैं, सर जी आप लोग कुछ हमारी समस्याओं को प्रशासन तक नहीं पहुंचाते हैं। तो हम मार्केट संवाद चैनल से अपील करते हैं प्रशासन से, नगर निगम से, ठेकेदारों से, विनम्र हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि विकास करिए, लाइन बिछाइए, सब कुछ करिए, क्योंकि आवश्यक है, होना भी चाहिए। स्मार्ट सिटी जो बन गई है झांसी, लेकिन इस तरीके से काम करिए कि किसी दूसरे को परेशानी ना हो। हर जगह पूरी झांसी में, और फिर अब बारिश हो रही है, आज तो सुबह से फिर इंद्र देवता पर मेहरबान हो गए हैं। आपने भी नहीं सोचा होगा कि पुरखा इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे आपकी पूजा से, आपके पानी देने से इतने खुश हो जाएंगे कि वो जो सूखा की स्थिति थी वो अब पूरा गीला गीला हो जाएगा और अच्छे से बुवाई हो जाएगी। लेकिन इसमें समस्या और भी है कि कुछ किसानों को नुकसान भी है, जिसकी पहले बुवाई हो गई थी और उर्दा पक गए थे, मूंग पक गई थी, तिली पक गई थी, उनके लाने भारी समस्या हो गई है, क्योंकि ख़राब हो गई है मूंग तिली, सड़ने की स्थिति में है। और फिर जब किसान परेशान रहेंगे और नुकसान होगा तो हम आप पर भी उसका वजन पड़ेगा। हे परमात्मा, हे पुरखा, अब दया दृष्टि बनाए रखना, उतना ही दो पानी जितना ज़रूरत है, और आप तो हर चीज़ को बैलेंस कर कर रखते हो। सामने पानी, सामने सड़क, कल बहुत तो मस्त थी, गर्मी थी, आज तो राहत है, लेकिन पानी बराबर फुर 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 धीमा धीमा बरस रहा है। ये आवास विकास झांसी की सड़कें हैं जो कई महीनों से ऐसे ही खुदी पड़ी हैं, लाइन बिछा कर काम कर कर ऐसा ही छोड़ दिया गया है। समझ में नहीं आता, जिला प्रशासन बार बार चेतावनी देता है ठेकेदारों को कि आप काम करिए, और जिस तरीके से करार होता है उसी तरीके से जो रोड आपने खोद रखी है उसी तरीके से फिलअप कर दीजिए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। ये मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं एक पट्टी जो दिख रही होगी डामर रोड की, इसको अगर सही कर दिया गया है तो कितना बढ़िया रोड दिख रहा है। और यह जो गड्ढा गूढ़े हम आरुख सदन अस्पताल आवास विकास झांसी के पास में कई महीनों से ऐसा ही देख रहे हैं, लोग झूलते झालते निकलते हैं, गिरने की भी आशंका होती है और कई बच्चे गिर भी जाते हैं। हर जगह गड्ढे गूढ़े,
सरकार बार बार चेतावनी देती है कि उत्तर प्रदेश में कोई सड़क गड्ढे गुढ़े नहीं होना चाहिए, गड्ढा मुक्त होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार हैं कि अपना कार्य कर कर और रोड को खोद देते हैं और उसे सही नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप नज़ारा देख सकते हैं किस प्रकार से निकले हुए हैं लोग बाग। आप ये निकलते हुए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।